और इस बीच आपको बता दें एक बड़ी खबर, क्योंकि बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी के अमर्यादित बयान पर विपक्ष सम बिग अपडेट्स कमिंग इन राइट नाउ। लोकसभा स्पीकर ओम, बड़ा बुरा लगा होगा, क्या जेएनयू, क्या एम्स, क्या ये तुम्हारा एयरपोर्ट, क्या ये 660 संस्था है? भारत माता की जय मारने पे विवाद तो हुआ, सरकारी कार्यक्रम में भारत माता की जय नहीं मारी जाएगी। भारत माता की जय मानना हमारा नारा, हमारा देश है, हम देश के लिए नारा नहीं। तो आप लोग भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे? जी जी। तो आप चाह रहे थे कि एमपी साहब ने लगाए? तो साथियों, बवाल मच गया है। बवाल किस बात का मच गया है आप लोगों को पता होगा, कल मैं जरा मिशन भारत में व्यस्त था शाम को, वरना तभी इस बात पे मुद्दे पर वीडियो अपलोड करता। साहब, जो स्पेशल सेशन के आखिरी दिन भाजपा के सांसद और बीएसपी के सांसद दानिश अली के बीच में जो एक घिनौनी तकरार हो गई, असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल किया गया, मैं किसी भी सूरत पर अपने मत से इस तरह की भाषा का समर्थन, कवर फायर, रफू आदि नहीं कर सकता, किसी कीमत पर नहीं कर सकता। लेकिन एक घटना का विश्लेषण करना और परत दर परत उस चीज को समझना बतौर सोशल स्टूडेंट, सोशल स्कॉलर, सोशल साइंटिस्ट, सोशल कमेंटेटर बहुत आवश्यक है ऐसी स्थिति में। तो आज इसी घटना पर बात करेंगे। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो इस घटना पर देखते हैं कि गोदी मीडिया क्या बोल रही है, कुछ अंश। और इस बीच आपको बता दें एक बड़ी खबर, क्योंकि बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी के अमर्यादित बयान पर विपक्ष सम बिग अपडेट्स कमिंग इन राइट नाउ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैज क्वेश्चन्ड द बीजेपी मेंबर रमेश बिदूड़ी फॉर हिज रिमार्क्स इन द हाउस। कार्रवाई की जाएगी। और अब यह अपडेट, इस वक्त संसद में विवादित टिप्पणी से जुड़ा यह पूरा मामला, रमेश बिदूड़ी को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। Well, as far as the clarification from the government side, we heard that coming from the Union Raksha Mantri Rajnath Singh himself, who is expressing regret. तो साहब, इससे ये बात पता चलती है विश्लेषण का पहला चरण, कि गोदी मीडिया जो भी समाज में घटना हो रही होती है, गोदी मीडिया कुछ भी उसी पर बात करती है, रफू नहीं करती है, किसी चीज को छुपाती नहीं है, कुछ नहीं करती है। तो कल शाम को आप लोगों ने देखा होगा, मैंने जाना छोड़ दिया है, दो तीन लोगों ने मुझसे बोला इस मुद्दे पर आने के लिए, मैं था भी नहीं लखनऊ। तो साहब, ऐसा है जो समाज में होता है वो ही दिखाती है, कभी अपने मन से कुछ नहीं दिखाती है। तुम कुछ गलत करोगे तो मीडिया दिखाएगा, तो जब मीडिया तुम्हारी गलती दिखाता है तो उसको गोदी मीडिया ना बोला करो, ये पहला लेसन है, हमेशा दिखाएगा। अब देखते हैं कि भाजपा के सांसद ने, जो माना जाता है हमेशा से बड़े बड़बोले रहे हैं, अनाप शनाप बकते रहते हैं, तो मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था चंद्रयान को लेकर उनको मौका मिला था बोलने का, वो भी भाई उत्साहित होंगे, तो वो पीएम मोदी को बधाई दे रहे थे, देश को बधाई दे रहे थे, साइंटिस्ट को बधाई दे रहे थे। तो वर्ड बाय वर्ड सुनते हैं कि बीजेपी के सांसद ने कहां से अपनी बात शुरू करी। सारा मीडिया, जिसको अब गोदी मीडिया बोला जाता है, ठीक, वो एक लेवल के बाद की स्पीच दिखा रहा है। मैं उससे कुछ सेकंड पहले की भी कुछ अंश चुरा के लाया हूं, पहले देखते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, बाद में दानिश अली भाई ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, उसका भी विश्लेषण करेंगे। और फिर से बता दूं, ऐसी अभद्र भाषा का पार्लियामेंट में बोली जाए या पार्लियामेंट के बाहर बोली जाए, इसको कवर फायर नहीं दिया जा सकता। इसी तरह किसी भी तरह के सांप्रदायिक मुद्दे को, सांप्रदायिक नारे को, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा, पत्थरबाजों को, बमबाजों को, अलगाववादियों को, आतंकवादियों को किसी भी तरीके से कवर फायर नहीं दिया जा सकता, कभी नहीं दिया जा सकता। अब आगे सुनते हैं फ्रेम बाय फ्रेम। कंधे से कंधा मिलाकर जहां पूरे देश के लोगों ने, इस 140 करोड़ लोगों ने, जहां पूरे देश के लोगों ने, 140 करोड़ लोगों ने, अब सवाल उठता है कि जो ये सांसद है जिसने जोश में, आक्रोश में आकर अभद्र टिप्पणी कर दी, क्या वो मुसलमानों को 140 देश की आबादी में जोड़कर चल रहा था? तो जवाब है, चल रहा था।
चंद्रयान की बात हो रही है। आगे चलते हैं, विश्लेषण करने का थोड़ा शौक है मुझे, लेयर बाय लेयर तराशता हूं, ढूंढता हूं। आगे चलिए, इसकी खुशी बनाई है जल्द लोगों को बड़ी, 140 करोड़ लोगों ने इसकी खुशी बनाई है। तो अब यह बात तय हो गई कि यह भाजपा का सांसद 140 करोड़ में मुसलमानों की भी गिनती करके चल रहा है जिन्होंने खुशी बनाई है। और मेरी तरह ये भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कुछ तरह के गटर छापों को अलग करके चल रहा है। अभी तक ये आदमी सांप्रदायिक नहीं हुआ है, वर्ड बाय वर्ड, फ्रेम बाय फ्रेम देखिए, कुछ को ये लेके चल रहा है जिनके पेट में दर्द हुआ है। मैं इसकी जगह अगर भाषण दे रहा होता तो मैं 140 करोड़ ना बोलता, मैं 110 करोड़ बोलता, जिसमें सारे सच्चे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी वारसी सब आ जाते, लेकिन मैं बोलता 110 करोड़ क्योंकि मेरा पूर्ण मानना है एज अ कमेंटेटर 30 करोड़ के पेट में दर्द हुआ है। तो यहां तक तो ये सांसद थोड़ा नर्म है, किससे नर्म है, मुझसे ज्यादा नर्म है। अब आगे चलते हैं, बड़ी दुख हुआ होगा, कुछ लोगों को दुख हुआ होगा, कुछ लोगों को, अभी वो ये नहीं बोल रहा कि विशेष समुदाय को दुख हुआ होगा। अब ऐसे मौके पे जब वो जोश में बोल रहा है, वो चीज रिकॉर्ड नहीं हो पाई है कि सामने से दानिश अली साहब ने क्या टिप्पणी करी। कोई भी टिप्पणी करी होगी उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप एकदम भड़क जाएं, संसद की मर्यादा खो दे, नहीं कर सकते। पर यहां तक ये आदमी कमरल नहीं है, 140 करोड़ लोगों को बधाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए बोल रहा है पेट में दर्द हुआ है। आगे चलते हैं, बड़ा बुरा लगा होगा, क्या जेएनयू, क्या एम्स, क्या ये तुम्हारा एयरपोर्ट, क्या ये 660 संस्थाएं, ये किसी खानदान ने बनाई थी क्या, सबके सब नाम उस खानदान से रख दिए गए। तो बात ये हो रही है वहां पर कि ये शायद टीका टिप्पणी हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय क्यों दिया जा रहा है चंद्रयान की सक्सेस का। तो ये बंदा बोल रहा है कि भैया ये 650 संस्थाएं जो चला रहे हो टैक्स पेयर के पैसे की, या किसी किसी खानदान ने बनाई थी कि उनको श्रेय दे के हर जगह नेहरू इंदिरा राजीव कर दिया। यहां तक भी ठीक है, विपक्ष का आदमी है, विपक्ष मतलब कांग्रेस के विपक्ष का आदमी है तो बोलेगा। आगे चलते हैं, ये भी भारत के लोगों ने मजदूर ने बनाई थी तो इसीलिए उन भारत के लोगों का नाम क्यों नहीं रहा। अब इसने कहा कि वो भी भारत के लोगों ने मतलब यहाँ के मजदूरों ने यहाँ के टैक्स पेयर्स के पैसे से बना था तो उनका नाम क्यों नहीं है, एक विशेष परिवार का नाम क्यों है। यहां तक भी ठीक है, कोई सांप्रदायिक बात नहीं है, कोई कमनल बात नहीं है। आज चंद्रयान अगर पहुंच जाता है सिर्फ दक्षिण पूर्व में पहली बार तो दर्द हो रहा है कि गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा, जिसको कभी मौत का सौदागर, कभी नीच, कभी कहते रहे कुत्ते की मौत मरेगा। अब ये बात कर रहा है कि आप लोगों को पेट इस बात पे दर्द हो रहा है, ये ऑपोजिशन की बात कर रहा है कि एक गरीब का बेटा जिसको तुम नीच बोलते रहे, चाय बेचने वाला बोलते रहे, कुत्ते की मौत मरेगा, मौत का सौदागर। अब ये बात भी अपने आप में सब सच है, ये कोई बड़ा, ये तो उसने ये नहीं बोला चोर चौकीदार है। यहां तक भी ये जो सांसद है ये सही बोल रहा है और आक्रोशित है, नाराज है और जोश में भी है, ये भी मान सकते हैं। तो यहां तक तो भाई मामला बिल्कुल ठीक है और अभी तक कोई भी असत्य बात या अनैतिक बात या अमर्यादित बात नहीं बोली कही है भाई, मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग तय करिए। आगे चलते हैं, पचा नहीं पा रहे हैं, मोदी साहब सिरे क्यों ले रहे हैं, मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। अब स्पीकर बोल रहा है लेट हिम स्पीक, यानी अब सामने से कुछ अनैतिक कहें, असंवैधानिक कहें, गाली तो मैं नहीं मान सकता, गाली होती तो पब्लिक डोमेन में आ गई होती, कुछ वहां से नोका चोकी, कुछ फिंगरिंग इसकी शुरू हुई है, कोई प्रोवोकेशन इसका शुरू हुआ है, बिकॉज ही इज स्पीकिंग, उसका टाइम है और स्पीकर बोल रहा है लेट हिम स्पीक। सर ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के दानिश अली जी को जाता है, दानिश अली जी प्लीज जी। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक,
इसकी बात कर रहे इफ एनीथिंग रॉन्ग अभी रोड पर रहे थे सर इसरो ने प्लीज यू टेक योर सीट 2019 यू टेक योर सीट इफ एनीथिंग 52 यू लिसन टू चेयर यू टेक फिर मामला एकदम भड़कता है और ये साहब अपना आपा खो बैठते हैं और घोर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, दानिश अली के साथ नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ये आदमी, ये सांसद एक पर्टिकुलर आदमी की तरफ इशारा करके उसका नाम लेके बात कर रहा है और जोश में उस पर जो ये टिप्पणी कर बैठा है वो उसके मजहब से जाकर जुड़ती है। ये सत्य है, जो सत्य है वो सत्य है। रिजवान अहमद एज अ प्लेटफॉर्म किसी चीज को रफू नहीं करेगा, ये नहीं बोलना चाहिए था। हम उनमें से नहीं हैं गटर छापो जो अलगाववादियों को, पत्थरबाजों को, पेट्रोल बमबाजियों को, रोहिंग्याओं के रिश्तेदारों को वगैरह वगैरह को, गला काटने वालों को, तो हम कभी किसी चीज को रफू नहीं करते। अब ये देखते हैं कि दानिश अली साहब हैं कौन। आज वो बहुत परेशान हैं, रोए भी हैं। ये अभी अगस्त में डेढ़ कुछ टाइम पहले अमरोहा स्टेशन का कुछ उद्घाटन हो रहा था, कुछ नया रिनोवेशन वेनोवेशन हुआ था, जो स्कीम चल रही है, प्रधानमंत्री भी ऑनलाइन जुड़े हुए थे। तो वहां के ये सांसद हैं, तो वहां पर बीजेपी के एमएलसी साहब थे ढिल्लन साहब, उन्होंने दानिश अली के हिसाब से एक बड़ी अभद्र टिप्पणी कर दी। उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगा दिया। तो आज जो इतने हैरान, परेशान, दुखी और जिनका भरोसा उठ गया है भारत से, संविधान से, लोकतंत्र से, इन्होंने साहब वहां पर रायता बिखेर दिया। अच्छा, आपको नहीं पता था ये? देखो देखो बताता हूं। भारत माता विवाद किस बात पे हुआ है? भारत माता की जय मारने पे विवाद तो हुआ कि ये सरकारी कार्यक्रम में भारत माता की जय नहीं मारी जाएगी। भारत माता की जय मानना हमारा नारा, हमारा देश है, हम देश के लिए नारा नहीं। तो आप लोग भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे? जी जी। तो आप चाह रहे थे कि एमपी साहब ने लगाए? इसका क्या मतलब है? मैं किसी एक थोड़ी का ये लगाओ मैं मत लगाओ, मैंने लगाया तो लोगों ने नारा लगाया। साहब विवाद इस बात पर हुआ कि एमपी साहब ने, दानिश अली भाई ने ये कहा कि सरकारी कार्यक्रम में आप भारत माता का नारा क्यों लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? तो जो आज इतने हैरान, परेशान, उदास, दुखी हमारे दानिश भाई हैं, ये भी बड़े जोशीले हुआ करते हैं। अमरोहा में आपने इनका जोश देखा, तो मतलब ऐसा नहीं है कि सुबह उठकर साहब दूध से वजू करते हैं, है ना, ये भी पानी ही से करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि दूध से नहाते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर एक बात बोली गई है तो इस पर पुलिस एक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट जब चल रहा होता है वो इम्यून होता है। लेकिन बिरला जी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।